वाह सो नाइस। तो इंडिया ने सक्सेसफुली जो है टेस्ट कर लिया है अग्नि प्राइम मिसाइल को। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही एक मिसाइल है, मतलब अग्नि सीरीज की एक एडवांस मिसाइल है। और न्यूज मीडिया में आपने बहुत सुना होगा अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। और इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमेशा से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे डेवलप करता रहता है। और डीआरडीओ भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को बहुत कुछ दिया है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को जितनी भी मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ ने ही दी हुई है। और रिसेंटली ओडिशा से सक्सेसफुली जो है टेस्ट कर लिया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल को। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, यह आर्टिकल द प्रिंट का है। अग्नि प्राइम इज द न्यू मिसाइल इन इंडियाज न्यूक्लियर एर्सेनल। सो बेसिकली अग्नि प्राइम मिसाइल जो है भारत के न्यूक्लियर एर्सेनल में एक नई मिसाइल हमको देखने को मिलेगी। तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल को, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये इतनी स्पेशल क्यों है। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप दो फ्री लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही मिसाइल है। अग्नि मिसाइल की एक बहुत बड़ी आपको फैमिली देखने को मिलेगी जिसमें मीडियम से लेके हमको इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रोग्राम लेके आया था जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया था डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने। और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है। 1982-83 में इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया गया था, और इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एट लास्ट 2008 में बहुत सारी मिसाइल्स को जो है भारत ने यहाँ पे सक्सेसफुली डेवलप किया और हैंड ओवर किया इंडियन आर्मी को। मतलब आज के समय इंडियन आर्मी जितनी भी मिसाइल्स यूज कर रही है, चाहे वो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, वो सब मिसाइल डेवलप किए हैं डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जितना भी हम थैंक्स करें उतना कम है। उन्हीं की वजह से भारत का जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, और आज हमारे पास इतनी सारी जो है मिसाइल्स हमको देखने को मिलती हैं। अब ये बात तो थी अग्नि मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अग्नि पी मिसाइल को। इसको अग्नि प्राइम मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक एडवांस वर्जन है अग्नि प्राइम का। बेसिकली जो हमारे पास अग्नि मिसाइल है ना, उसका ये नेक्स्ट जनरेशन वेरियंट है। अग्नि प्राइम नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाल ही में ओडिशा के बालासोर से टेस्ट की गई है। और इस मिसाइल में आपको बहुत सारे यूनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी बहुत हाई है, जिससे इसको इंटरसेप्ट करना जो है काफी डिफिकल्ट है। वहीं अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो इसकी रेंज जो है करीब 1000 से 2000 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। और बिल्कुल हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही डेडली मिसाइल है जो अपने पूरे टारगेट्स को यहाँ पे कवर कर सकती है। मतलब कल को हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को टारगेट करें, तो हम बिल्कुल आसानी से अग्नि प्राइम मिसाइल को फायर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर इस मिसाइल का पर्पस क्या है। देखो जिस तरीके से आपको एडवांसमेंट देखने को मिलेगा ना, तो जिस तरीके से यहाँ पे मिसाइल भी डेवलप होती है उनको इंटरसेप्ट करने के, उतने डिफेंस सिस्टम भी डेवलप होते हैं। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये पृथ्वी अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको यहाँ पर रिप्लेस करेगी। अब आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब हमारे पास अग्नि 1 अग्नि 2 मिसाइल थी, तो हमने अग्नि प्राइम मिसाइल को यहाँ पे क्यों डेवलप किया। देखो इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है अग्नि सीरीज की ही एक मिसाइल है जिसमें आपको मॉडर्न फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये काफी लाइट वेट है और इसकी जो एक्यूरेसी है बाकी मिसाइल से कंपैरिजन में बहुत हाई है। अगर हम इसके वेट के कंपैरिजन की बात करें, अग्नि 3 का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, वहीं अगर हम अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो ये बहुत ही लाइट वेट मिसाइल है। और अभी तक अग्नि सीरीज में जितनी भी मिसाइल को डेवलप किया गया है उनमें सबसे ये लाइटेस्ट है और बहुत ही स्मॉलेस्ट है। लेकिन सबसे इसका यूनिक फीचर ये है कि इस मिसाइल को हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब इसको हम रेल से लॉन्च कर सकते हैं, रोड से लॉन्च कर सकते हैं, और इसको हम इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने देश के किसी भी कोने में। मतलब मान लो कल को भारत अगर चाहता है कि हम इसको ओडिशा से लॉन्च कर दें, या हम इसको राजस्थान से लॉन्च कर दें, या हम इसको जम्मू कश्मीर से लॉन्च कर दें, तो इजीली जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और अग्नि प्राइम मिसाइल भारत के लिए
अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान को देखोगे तो उन एरियाज में हमको कुछ ऐसे मिसाइल्स की जरूरत है जिनको हम इजीली यहाँ पे कैरी कर पाए, जिससे जल्दी से जल्द जो है हम इनको ट्रांसपोर्ट कर पाए और इजीली यहाँ पे फायर कर पाए। और अग्नि प्राइम मिसाइल एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी इंडिया के डिफेंस में। तो एट लास्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, अग्नि प्राइम मिसाइल आने के बाद क्या पाकिस्तान और चाइना को हम इजीली काउंटर कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।